एक अनुमान लगाते हैं कि लगभग 8.5 लाख 8.5 लाख कोऑपरेटिव्स आर रजिस्टर्ड इन द कंट्री, और उसकी टोटल मेंबरशिप अगेन एस्टिमेट है इट इज़ प्लस 30 करोर्स। भारत की कोऑपरेटिव के बारे में और भी एक विशेषता है कि हमारी कोऑपरेटिव्स देश के 100% विलेजेस को कवर करती है। एक सर्वे में ऐसा भी बताया जानकारी प्राप्त हुई है कि 75% रूरल हाउसहोल्ड्स ये कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं, और ये सब देखते हुए मैं केंद्र सरकार का विशेष अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने 2 साल पहले कोऑपरेशन के लिए नई मिनिस्ट्री भी बनाई और कोऑपरेटिव के माध्यम से ग्रोथ की एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव भी शुरू किया। अपने देश में रूरल और एग्रीकल्चरल सेक्टर के डेवलपमेंट की बहुत बड़ी आवश्यकता है और वो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस के माध्यम से ही हो सकती है। ये ध्यान में लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से विचार विमर्श करके सबके सामने एक प्रस्ताव रखा है कि अपने देश में लगभग 7-7.5 लाख छोटे गांव और बस्तियां हैं, उन सब तक पहुंचने के दृष्टि से आज के दिन में प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और उसी के साथ प्राइमरी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इन दोनों कैटेगरीज़ की संस्थाओं को बढ़त देने की आवश्यकता है। हिस्टोरिकली लगभग 90,000 हमारे यहाँ प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रजिस्टर हुई है। रिपोर्ट करने वाली जो संस्थाएं हैं उनकी संख्या केवल 72,000 तक है और प्रॉफिट करने वाली पैक्स की संख्या और भी कम है, वो केवल 43,000 है। देश में लगभग 7-7.5 सौ डिस्ट्रिक्ट्स होते हुए भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स की संख्या केवल 350 हैं, मैं राउंड फिगर्स बता रहा हूँ, जबकि जिलों की संख्या लगभग 7-7.5 सौ हैं। तो ग्रामीण इलाकों में यदि समृद्धि लाना हो तो सहकारिता के सिवाय दूसरा कोई इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क अपने पास आज है नहीं, और उसी को स्ट्रेंथन करने की बात केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से की है। और मुझे खुशी है कि बहुत सारे राज्यों ने जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को मल्टीपर्पज़ बनाने की बायलॉज बनाए हैं उन्होंने इन प्रिंसिपल उसे एक्सेप्ट किया है, और जल्द ही अपने देश में हमारी प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ये मल्टीपर्पज़ होकर बहुत अच्छा काम करेगी। आज एक अनुमान माना जाता है कि हर साल लिमिटेड नंबर प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और डीसीसीज़ की संख्या होते हुए भी लगभग 2 लाख करोड़ रुपया ग्रामीण इलाकों में हर साल शॉर्ट टर्म क्रेडिट के रूप में दिया जाता है। इसकी आवश्यकता बहुत बड़ी है, बट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क न होने के कारण जितना फंड्स का फ्लो, इन्वेस्टमेंट का फ्लो ग्रामीण इलाकों में होने की ज़रूरत है उतना हो नहीं रहा है। और इसी दृष्टि से प्राइमरी एग्रीकल्चरल संस्थाएं हर एक ग्राम पंचायत तक पहुँचे, ऐसा एक प्रपोजल सामने आया है जिसे भी ब्रॉडली सभी प्रदेशों से स्वीकृति मिली है, ऐसी मेरी जानकारी है। तो आने वाले 3-4 वर्षों में हमारे सब ग्राम पंचायतों तक
पैक्स का निर्माण हो जाएगा और हम इमेजिन कर सकते हैं कि 2 लाख करोड़ हर साल जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट के रूप में केवल आज 40-45 हज़ार पैक्स के माध्यम से जाता है, वो यदि उसकी संख्या 2-2.5 लाख बन जाती है तो कम से कम 10 लाख करोड़ आने करोड़ रुपया हर साल कैपिटल फंड्स के रूप में और वर्किंग कैपिटल के रूप में ग्रामीण इलाकों में जाएगा। इट विल बी ए बिग बूस्टर और ग्रामीण इलाकों का विकास भी होगा। बहुत पहले लगभग 20 साल पहले का पुराना नाबार्ड का रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा था कि सोशल कैपिटल फॉर्मेशन देश में सबसे ज़्यादा अपने यहाँ कोऑपरेटिव्स के माध्यम से ही हुआ है और मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले 3-4 सालों में जब ये नई संस्थाएं खुलेगी, नए क्रेडिट फ्लो ग्रामीण इलाकों में होगा तो मैसिव ग्रोथ होगा, ग्रामीण इलाकों में इनकम लेवल सभी के बढ़ेंगे। और ये करते समय एक विशेष हम सब लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जैसे हम एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करते हैं तो ग्रोथ और डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, इसको बूस्ट देने के लिए एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज, ये तीनों का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। मैं आर्गस को विनंती करूंगा कि अगले बार जब आप ऐसा कोई कार्यक्रम करते हैं तो ओडिशा को बहुत बड़ा कोस्टल है और वाटर बॉडीज़ भी ओडिशा में बहुत बड़ी बड़ी संख्या में हैं, तो फिशरीज़ कोऑपरेटिव्स को भी जोड़ना चाहिए। यहाँ डेयरी का ग्रोथ जितना होना चाहिए उतना ओडिशा में हुआ नहीं है, तो उसके विकास के दृष्टि से भी आवश्यकता है। पूरे देश में डेयरी का सेक्टर का ग्रोथ विशेष करके वेस्टर्न इंडिया में हुआ है, यानी पूरे आप हम हरियाणा पंजाब से लेते हैं तो राइट अप टू केरला, इस वेस्टर्न बेल्ट पे हुआ है। मध्य और ईस्टर्न बेल्ट इसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है और ओडिशा हैज ए ह्यूज पोटेंशियल, तो उस दृष्टि से उसका भी विचार करना चाहिए। मेरा निवेदन मैं पूर्ण करने के पहले कुछ फिगर्स जो मैं इंटरनेट पे ले पाया वो ओडिशा के बारे में मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा कि ओडिशा स्टेट में 30 जिले हैं बट देर आर ओनली 17 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, और अपने प्रदेश में ओडिशा में लगभग 51,000 विलेजेस हैं जबकि पैक्स की संख्या केवल 2,700 हैं। इट ऑलमोस्ट अमाउंट्स टू 1 पैक्स, एक ग्रामीण विकास संस्था 20-22 गांवों को कभी ना कभी ये करती है। और मैं इसलिए ये बोल रहा था विशेष करके कि जब ओडिशा की लोक संख्या मैं देखता हूँ लगभग 4.5 करोड़ की, तो उसमें से लगभग 83% रूरल पॉपुलेशन है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम सब लोगों को ग्रामीण विकास का माध्यम ही ओडिशा का विकास का माध्यम बनेगा। और उसी दृष्टि से कृषि और एलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए सहकारिता, ये सबसे बड़ा उसका लाभ होगा। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से निवेदन भी मैं करना चाहता हूँ सहकार भारती की ओर से कि हमारे यहाँ जिस पद्धति से FPO को बढ़ावा देने के लिए एक फाइनेंशियल प्रोविज़न किया गया, बजटरी प्रोविज़न किया गया, उसी प्रकार देश में और विशेष करके जिन राज्यों में पैक्स की संख्या कम है ऐसी संस्थाओं के निर्माण के लिए उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाए तो उसका बहुत बड़ा लाभ होगा।